सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से हटाया। सऊदी अरब के बैंक नोट पर है नक्शा। अगले महीने होने वाली G20 समिट के लिए 20 रियाल का जारी किया है नोट। सऊदी अरब के फैसले पर पाकिस्तान की इमरान सरकार की बोलती बंद। ईरान ने नतांज परमाणु स्थल पर शुरू किया निर्माण कार्य। सैटेलाइट इमेज से खुलासा। संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने की पुष्टि। हांगकांग के लोगों को गिरफ्तार करने पर अमेरिका ने चीन को लगाई फटकार। ताइवान पर भी सुनाई खरी खोटी। कहा चीन पूरे मामले में बरते पारदर्शिता। दिल्ली में सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत है। 11 एंटी क्रैकर्स स्क्वाड की तैनाती की जाएगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोरोना पॉजिटिव हो गई है। ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। कहा कि संपर्क में आए लोग कोरोना टेस्ट कराएं। नोएडा सेक्टर 54 के जंगलों में लगी भीषण आग। इलाके में दूर तक फैला धुआं। दमकल कर्मी आग बुझाने के काम में लगे। शिमला में लोअर बाजार की दुकान में भीषण आग लगी। धू धू कर जली रजाइयां। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पुणे के कार्डबोर्ड गोदाम में लगी आग। सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगी है। दमकल कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।